हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी मैं जानकारी आपके लिए डेली बेसिस पर लेके आ रहा हूं, उसी सिनेरियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस कटिंग के माध्यम से देने वाला हूँ। ये पत्रिका के 11 नवम्बर की ये कटिंग है जिसमें ये न्यूज आई है और इसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी इसके लिए जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। आज से शुरू होगा उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की दस्तावेज सत्यापन 11 नवंबर से शुरू होने हैं, और जब 11 नवंबर से शुरू होने हैं तो दस्तावेज सत्यापन से पहले और अभी वर्तमान में इसमें बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। ऐसी विसंगतियां जिससे छात्र बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्या जानकारी है इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सूची में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट ना होने से छात्र परेशान हो रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं यहाँ पूरी जानकारी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के बीच हंगामे की स्थिति बनी हुई है। लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने रोजाना 40 से 50 अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। उन अभ्यर्थियों ने सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थी के अनुसार DPI ने जो सूची जारी की है उसमें कई लोग ऐसे लोग हैं जिनके नंबर कम है और अधिक नंबर वालों को बाहर कर दिया गया। मतलब ऐसे स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक सामने देखने को मिल रही है कि जिनके नंबर बहुत अधिक हैं और उनसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया और उनको उनको उस सूची से बाहर कर दिया गया। हालांकि अधिकारियों ने सूचना की किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक के दस्तावेजों का सत्यापन शुक्रवार से शुरू होना है, और वहीं माध्यमिक शिक्षकों के दस्तावेज 21 नवंबर से शुरू होना है। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अभय बर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि माध्यमिक शिक्षकों की अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 17 नवंबर तक होगा। MP ऑनलाइन द्वारा पहले ही पोर्टल पर अभ्यर्थियों की सूचना जारी की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षकों के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 30 नवंबर तक किया जाएगा। अभ्यर्थी 18 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, मतलब जिनको आपत्ति है वह 18 तारीख तक ये दर्ज करा सकते हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मामले में जनजातिकार विभाग के 18 नवंबर तक आपत्तियां मांगी हैं। विभाग ने 7 नवंबर को नियुक्ति आदेश जारी किए थे जिसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। तो इसमें 18 नवंबर तक आप अपनी आपत्ति लगा सकते हैं। ये मामला देखने में आ रहा है कि कम नंबर वाले के नाम और ज्यादा नंबर वाले को कर दिया बाहर। तो क्या है, अधिकारियों ने बताया कि सूची में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके अंक कम हैं और सूची में नाम है उन्हें किसी न किसी आरक्षण का लाभ मिला है। और विकलांग और महिला आरक्षण के अलावा अतिथि शिक्षक का भी है। शासन ने दूसरे राउंड में स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल द्वारा उच्च माध्यमिक की भर्ती के लिए 4,075 पदों की घोषणा की है। उसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 2,750 और ट्राइबल विभाग के 1,325 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। तो आयोग का कहना है कि भर्ती नियमानुसार की जा रही है। एक और न्यूज यहाँ पे प्रमुखता से दी गई है कि पहली सूची में जो नाम स्टूडेंट के आए थे दूसरी सूची में उसके नाम गायब हो गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के संयोजक रंजीत गौड़ जी जो बहुत ही मेहनत करते हैं शिक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए, तो उन्होंने क्या बताया है कि स्थायी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को उच्च माध्यमिक शिक्षकों की द्वितीय चयन सूची जारी की गई है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए थे। उसके बाद 7 नवंबर 2022 को विभाग द्वारा पुनः संशोधित चयन सूची जारी की गई जिसमें कई चयनित शिक्षकों के नाम हटा दिए गए हैं। इसी तरह DPI द्वारा जारी सूची में भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। वहीं जो हमारे लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त हैं अभय वर्मा जी, उनका क्या कहना है, शिक्षक भर्ती में पूरी तरह पारदर्शिता रखी जा रही है। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अधिक अंक आने के बाद भी सूची में नाम नहीं है, ये भय प्रमाणित करें कि उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वही एक और न्यूज आज सामने आई है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपडेट करके रखा है कि जो जनजातीय कार्य विभाग है उसने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की जो वैलिडिटी है जो उसको वैधता है 2 साल और एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया है, जिसमें अब जनजातीय कार्य विभाग में वैकेंसी आने की संभावना कम बची है। वहीं DPI ने अपनी जो रूल बुक है वह मंडल को भेज दी थी, तो उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा, मतलब नई भर्ती आ सकती है। आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।